गणित आओ करें और सीखें। कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए स्तर 1 व 2। भाग एक, दी गई संख्या की दहाई इकाई लिखिए। दिए हुए प्रश्न की संख्या 32 में दहाई व इकाई लिखना है। आपको स्पष्ट रूप से इकाई में 2 दिख रहा है तथा दहाई में आपको 3 दिख रहा है, अतः दहाई में आपको 3 लिखना है। इस प्रकार से आपको प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को भी आपको करना है। इसी प्रकार 39 के दहाई में 3 तथा इकाई में 9 आएगा और अगले प्रश्न में आपको 42 के दहाई में आपके 4 आएंगे तथा इकाई में 2 आएंगे। इस प्रकार से अतः इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन में हैं जो 38 व 23 हैं, जिसके 38 में दहाई में 3 तथा इकाई में 8 आएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न जो 23 में दहाई में 2 आएगा तथा इकाई में आपके 3 आएंगे। अब हम भाग 2 की ओर चलते हैं और सीखते हैं। स्थानी मान लिखिए। गतिविधि 10-10 की ढेरी बनाओ, संख्या बताओ। अतः दी हुई संख्याओं का स्थानी मान हमें लिखना है। जिस प्रकार से उदाहरण दिए हुए हैं उन्हीं उदाहरणों को देखते हुए प्रश्नों को लिखना है। इस प्रकार से संख्या 28 में 2 का स्थानी मान होगा 20 तथा 8 का स्थानी मान होगा 8, क्योंकि 8 इकाई में है। इसी प्रकार से 17 में 1 का स्थानी मान होगा 10, क्योंकि वह दहाई में है। और 7 का स्थानी मान होगा 7, क्योंकि वह इकाई में है। इस प्रकार से आपको सभी प्रश्न हल करना है। आओ करें सीखें भाग 3। 21 से 30 तक की संख्याएं चित्रानुसार दहाइयां और इकाइयां लिखें। दहाइयों के स्थान पर 10-10 के बंडल लिखेंगे और इकाइयों के स्थान पर जो 10 के बंडल नहीं हैं शेष संख्याओं को हम लिखेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 2 दहाइयां 6 इकाइयां। 2 दहाइयों में आपको स्पष्ट रूप से 2 के बंडल हैं अर्थात 20, और इकाइयों में 6 है तो 20 6 26। इस प्रकार से यह संख्या 26 होगी। इसी प्रकार अगले प्रश्न में दहाई 2 है अर्थात 20 और इकाई 2 है तो 20 2 22। इस प्रकार से इकाई में भी 2 आएंगे। इस प्रकार से आपको सारे प्रश्नों को हल करना है। सारे प्रश्नों को हल करेंगे। अतः भाग 3 का सबसे निचला सवाल, जिसमें 2 दहाइयां और 1 दहाई दी हुई है, अर्थात इस प्रश्न को गंभीरता से देखेंगे, क्योंकि दहाइयां 2 हैं और बाद में भी दहाई 1 है। इस प्रकार से हमें 2 और 1 दहाई कितनी हो गई, 3 दहाइयां हो गई हैं, अर्थात 3 दहाई के 30, अर्थात 10 20 30। इस प्रकार से हमें दहाई में 3 लिखेंगे तथा इकाई में 0 होगा, क्योंकि इकाई कोई संख्या नहीं है, सिर्फ वहाँ पर 0 आएगा। अतः हम 30 लिखेंगे। धन्यवाद। इस प्रकार से आप सारे प्रश्नों को प्यारे बच्चे हल करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप भी इस प्रकार से सारे प्रश्नों को धीरे धीरे हल करेंगे। और अगले वीडियो के लिए आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।